नवाब मलिक व सना मलिक के प्रचार यात्रा में अजीत पवार का हुआ आगमन। लगातार फूलों की बारिश की जा रही है। स्वयं आज अजीत दादा पवार नवाब मलिक हो मानपुर शिवाजी नगर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और अनुशक्ति नगर से सना मलिक जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, आज स्वयं अजीत दादा पवार का आगमन हुआ है उनके जन समर्थन में। एक जन सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये निगाहें जा रही है, जहाँ तक निगाहें जा रही है वो बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है अजीत दादा पवार का। ये लल्लू भाई कंपाउंड का इलाका है जहाँ जीप पे ही ले रही है। ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां स्वयं अजीत दादा पवार नवाब मलिक और सना मलिक आज जीप पे सवार नज़र आ रहे हैं। ये भीड़ फूलों की बारिश की जा रही है। आज स्वयं इस इलाके से यानी मानपुर शिवाजी नगर का इलाका है और वहीं टाटा नगर का जो इलाका कहा जा सकता है वह अनुशक्ति नगर का भी इलाका कहलाता है। आज जिसे देखते हुए सना ताई मलिक और नवाब मलिक जो दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं लोगों के बीच में, आज भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ इनका जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। हो गया वायर दो। मुंबई के मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक व अनुशक्ति नगर विधानसभा अजीत गुट प्रत्याशी सना मलिक के चुनावी प्रचार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत दादा पवार का आगमन हुआ। इस अवसर पर हजारों हजार की संख्या महिला व पुरुष मौजूद रहे। वहीं अजीत पवार, नवाब मलिक व सना मलिक लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आए। इस रैली की शुरुआत लल्लू भाई कंपाउंड से हुई। ये रैली मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा के समस्त क्षेत्रों से होते हुए गुजरी। वहीं इन दोनों प्रत्याशियों को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लगातार फूलों की बारिश की जा रही है। स्वयं आज अजीत दादा पवार नवाब मलिक हो मानपुर शिवाजी नगर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और अनुशक्ति नगर से सना मलिक जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, आज स्वयं अजीत दादा पवार का आगमन हुआ है उनके जन समर्थन में। एक जन सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये निगाहें जा रही है, जहाँ तक निगाहें जा रही है वो बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है अजीत दादा पवार का। ये लल्लू भाई कंपाउंड का इलाका है जहाँ ले रही है। ये नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां स्वयं अजीत दादा पवार नवाब मलिक और सना मलिक आज जीप पे सवार नजर आ रहे हैं। ये भीड़ फूलों की बारिश की जा रही है। आज स्वयं इस इलाके से यानी मानपुर शिवाजी नगर का इलाका है और वहीं टाटा नगर का जो इलाका कहा जा सकता है वह अनुशक्ति नगर का भी इलाका कहलाता है। आज जिसे देखते हुए सना ताई मलिक और नवाब मलिक जो दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं लोगों के बीच में, आज भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ इनका जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। हो गया वायर दो। Thank you.
हवाई कंपाउंड में खड़े हैं, हम आपको बताना चाहेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो प्रत्याशी यानी कि अनुशक्ति नगर विधानसभा की बात की जाए तो सना मलिक शेख और नवाब मलिक शेख जो कि मानपुर शिवाजी नगर के प्रत्याशी हैं, आज उनके समर्थन में अजीत दादा पवार का आगमन हुआ है। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जन सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही मंच पर जीप पे सवार अजीत पवार लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ खचाखच भीड़ से ये इलाका पूरी खचाखच भीड़ से भरी हुई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है अजीत दादा पवार का। ये पहला आगमन दोनों प्रत्याशियों के जन समर्थन में ये पहला आगमन दिखाई दे रहा है जहाँ स्वयं हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अजीत दादा पवार का स्वागत करते हुए नजर आ रहा है। ये बिल्कुल भव्य नज़ारा, ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ स्वयं जीप पर सवार नवाब मलिक, उनकी लड़की सनाताई मलिक और अजीत दादा पवार लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। वाली सिग्नल का इलाका है जहां तमाम भीड़ यहां इकट्ठा हुई है नवाब मलिक और अजीत दादा सना ताई के स्वागत के लिए। हम आपको ये बताना चाहेंगे जबरदस्त हार लटकाया गया है जो कि अजीत दादा पवार के अभिवादन के लिए लगाया गया है। यहां जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है हर जगहों पे, यानी जहां जहां ये काफिला निकल रहा है, जो प्रचार रैलियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रही है, वहीं हर इलाके में यानी चौक चौराहे पर जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है नवाब मलिक का। ये हार तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हार लटकाया गया है। ये ज़बरदस्त हार बनाया गया है जो कि लटकाया गया है और कुछ ही क्षणों के बाद जो अजीत दादा पवार का यहाँ आगमन होने वाला है वही इस हार को उन्हें पहनाया जाएगा। तो इस तरीके का जो नज़ारा है वो हर इलाके में देखने को मिल रहा है। मानपुर शिवाजी नगर का जितना भी इलाका हो, छोटे से बड़े इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है नवाब मलिक का। और आज का दिन इनके लिए काफ़ी शुभ इसलिए माना जा रहा है कि स्वयं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत दादा पवार का आगमन हुआ है, यानी जन समर्थन में अजीत दादा पवार का आगमन हुआ है, जिसकी वजह से ये तमाम भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस तरीके की दावेदारी नवाब मलिक को प्रबल बनाते हुए चली आ रही है।